दुनिया को दुष्टों से बचाना सिर्फ पुरुषों का काम नहीं है। वाह, ये सुपर हीरोइंस कमाल की है। स्पाइडर वुमन की जिंदगी कैसी दिखती है? पहले आप पूरी रात बुरे लोगों का पीछा करते हैं और फिर आप आधा दिन उस लड़के का इंतजार करते हैं जो डेट के लिए लेट है। मुश्किल काम। ओ, टाइलर आ गया, लेकिन वो टहलते हुए भी आराम नहीं कर सकते। दुश्मन हर जगह है इस अजनबी की तरह। हे, वो क्या था? आप शांत नहीं रह सकते और अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई करते हैं और लड़की को अपने जाल में पकड़ लेते हैं। एक गुलाबी स्पाइडर का जाला, वो उसका पसंदीदा रंग है। वो उसे दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ मुस्कुराने के लिए सबक सिखाएगा। टाइलर को भी सजा मिल रही है। अब सोचो तुमने क्या गलत किया। अब स्पाइडर वुमन आराम कर सकती है और वो कर सकती है जो उसे पसंद है। कैप्टन अमेरिका से मिलो। आप जानते थे कि कैप्टन एक जेंडर न्यूट्रल टाइटल था, है ना? उसे अपने दोस्तों को अपनी नई एक्सेसरीज दिखाना पसंद है। ये नई शील्ड आज ही पहुंची है। ये बस अभी वकांडा से आई है। ये बहुत स्लीक और चमकदार है। ये सुंदर है। इस शील्ड की वजह से दुनिया की बुराई को नष्ट करना बहुत अच्छा होगा। और ये है जो शील्ड कर सकती है। इसे एक फ्रिस्बी की तरह फेंके और ये फिर से वापस आती है। ये लो, ये रहे हमारे पॉपकॉर्न। ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये कैप्टन अमेरिका है। जरूर, मैग्नेटो को वॉल्वरिन से डर लगता है, लेकिन हमें फिर भी खाना पकाना और खाना पड़ता है। इन स्किल्स को सुधारने में कई साल लग गए हैं। अच्छा और साफ, मिस वॉल्वरिन से स्वस्थ खाना पकाती है, इसीलिए वो इतनी अच्छी शेप में है। ओह नहीं, ये बुरा हुआ, उसने एक फिंगर नेल तोड़ दिया। मैं क्या करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? नेल सेलो जाओ। अनुभवी नेल टेक्स ने सब देख लिया। ये एक लंबी और इंटेंस प्रक्रिया होगी, यहाँ एक साधारण टूल काम नहीं आएगा, लेकिन मैनिक्योर फिर भी काम कर सकता है। कितना बड़ा सिलेक्शन है, चलो काम पर लगे। थोड़ा चीरो, थोड़ा काटो। और सुपर हीरो वाला मैनिक्योर तैयार है। राइनस्टोन के साथ लाल नेल पॉलिश। हे, सब सही है अगर काम पूरा हुआ। कैप्टन को असल में अमर रहना पसंद है। बिल्कुल, वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहेगी। ये कुछ ऐसा है जो हर कोई चाहता है, है ना? अब से 50 साल बाद उसे अपने पुराने दोस्तों के साथ मजा नहीं आएगा। वो बहुत बूढ़े हो जाएंगे। अब शील्ड बस चश्मे ढूंढने के लिए है। उसकी कहानियाँ किसी को भी प्रभावित नहीं कर रही। उसके दोस्त थोड़ा ओट मिल खाना पसंद करेंगे और जल्दी सो जाएंगे। लेडी हल्क को डेट करना ऐसा है जैसे आग पर बैठना, पर कभी कभी ये अच्छा होता है। जैसे अभी, जब आपको नया टीवी अपने कमरे में ले जाना हो। जब वो शांत होती है, वो शायद मदद ना करना चाहे, लेकिन लेडी हेल को गुस्सा दिलाना आसान है। पसंदीदा परफ्यूम, ये अच्छा आइडिया है। उप्स, मेरा ऐसा इरादा नहीं था हनी, पर अब बहुत देर हो चुकी है, वो संभाल ही नहीं जा सकती। ओ, अब क्या होगा? ठीक है, टीवी अपनी जगह पर पहुंच गया, लेकिन टाइलर को दूर रहना चाहिए। लेडी हल्क अपना पसंदीदा परफ्यूम बर्बाद होता नहीं देख सकती। न्याय मिल गया। हल्क, सांस लो। ग्रीन मॉन्स्टर वापस प्यारी एनी में बदल गई।
हनी तुम वापस आ गई। कोई बात नहीं, मेरा सिर टकरा गया, टीवी तो अपनी जगह पर है। सुपर गर्ल को भी आराम चाहिए होता है। वो बीच पर जाने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी और उसका केप एक अच्छा बीच मैट बन सकता है। ये बहुत अच्छा है, पर ये क्या है? दुनिया को फिर से मेरी मदद की जरूरत है। मुझे किसी और समय आराम करना होगा। चलो चले। ओ, जैसे उसका स्विम सूट और बैग बीच पर ही रह गया। ऐसा सुपर हीरो के साथ होता है। उसने रफ्तार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन चोर को उसके सामान के साथ कुछ नहीं करना चाहिए था। कुछ होने वाला है। उप्स, कैमरे के साथ वाले व्यक्ति से उलझना अच्छा नहीं होगा। उसे अपने आप को ब्लैकमेल नहीं करवाना, उसे अपने रेपुटेशन की परवाह है। नए कपड़े लेना ज्यादा आसान है। सुपर हीरोज भी शॉपिंग करने जाते हैं एक नई आउटफिट ढूंढने के लिए। तो साइक्लोप्स गर्ल ने सेल में जाने का फैसला किया। वो एक नई जैकेट इस्तेमाल कर सकती है, पुरानी वाली पिछली लड़ाई में खराब हो गई। और आखिरकार चश्मे, चुनना आसान नहीं है। उसके पास पहले से ही सैकड़ों चश्मे हैं। बस भूलना मत कि तुम्हारी आंखें कुछ भी जला सकती हैं। ओह, मुझे माफ करना, ऐसा हर बार होता है। एक्वा वुमन की निजी जिंदगी एक जंगली समुद्र की तरह है। आज उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए उनकी सालगिरह पर एक तोहफा तैयार किया है। ओह, वो आ गया। ऐसा लगता है वो गिफ्ट नहीं लाया। क्या तुम हमारी सालगिरह भूल गए? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बदला लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेहतर होगा अब टाइलर पानी से दूर रहे। लेकिन उसने शार लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें शार दूंगी। शार सोना में बदल गया। ऐसा लगता है पानी बहुत गर्म था। लेकिन ये एक्वा वुमन के लिए काफी नहीं है। जला देने वाले शार के बाद टाइलर को ठंडा होने की जरूरत है। आसान है, गार्डन होज सब कुछ ठीक कर देगा। एक्वा वुमन ने अभी बस शुरू ही किया है। शायद एक कॉकटेल पानी को शांत करने में मदद करे। टाइलर, परेशान मत हो, एक्वा वुमन डिशेस नहीं फेंकने वाली, लेकिन वो ग्लास में से कॉकटेल जरूर फेंकेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा लगता है वो सुलह करने के लिए तैयार है। वो दयालु है, उसने उसे कॉकटेल के बदले कॉफी दी। ओह नहीं, आज के लिए लिक्विड प्रयोग बहुत हुए। कई लड़कियां डेट के लिए तैयार होने में बहुत समय लगाती हैं, लेकिन फ्लैश नहीं। जब उसका सपनों का लड़का उसे फिल्म देखने के लिए बुलाता है, वो घबराती नहीं। मैं एक मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगी। और चलो चले। ओह, वो बहुत फुर्तीली है। फ्लैश के पास सिर्फ तैयार होने का ही नहीं, बल्कि घर को साफ करने का भी समय है। फास्ट फॉरवर्ड मोड में फाइनल टचेस। कुछ ही पल में वो फ्रंट दरवाजे पर है और अब वो उससे मिलने के लिए तैयार है। टाइलर इम्प्रेस हो गया। ये उसके जीवन का सबसे छोटा इंतजार था। जबरदस्त रफ्तार बेबी। और ये रही एक और सुपर हीरो जो टाइम मैनेजमेंट में प्रसिद्ध है।
डॉक्टर स्ट्रेंज, लेकिन इसे असल दुनिया में भी समय बिताना अच्छा लगता है। उसे शॉपिंग पसंद है। लेकिन ये ऐसा है जैसे बुराई की ताकतों ने इसकी कीमत रखी हो। कितना? ओ, काश ये जूते मेरे पास होते। मुझे कुछ चाल चलनी होगी। समय को थोड़ा तेजी से बढ़ाऊंगी। सीधा विंटर सेल तक। जब तक मैं जूतों को अच्छी छूट के साथ खरीद सकूंगी। अभी भी बहुत महंगे हैं। क्या होगा अगर मैं ब्लैक फ्राइडे की ताकतों को बुलाऊं? आह, ये बेहतर है। हे, ये जूते मेरे हैं। इसे छूना भी मत। जब सपने पूरे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बैटवुमन को डार्क मेकअप पसंद है। दुनिया को बचाना इंतजार कर सकता है। मुझे पहले तैयार होना है। लेकिन मेरी लकी इयररिंग्स के बिना मैं कहीं नहीं जा सकती। कहाँ गए ये? ये यहाँ भी नहीं। मैंने पूरे घर में भी ढूंढ लिया। ये तो बहुत बुरा है। एक्सरे वाली नजर काम आई हमेशा की तरह। हनी, तुम्हें अभी बाथरूम जाना होगा। ये कसरी सुपर हीरो वाला काम है। ईयू, इयररिंग को मदद चाहिए। ये बेहतर है। मैं अब अपराध से लड़ सकती हूँ। हालांकि लेडी थॉर की नसों में ईश्वरीय खून है। उसे फिर भी हर भोजन पकाना पड़ता है। मीट को पीसने में काफी समय लगता है। रोलिंग बिन के साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा। लेकिन थॉर का हथौड़ा काफी बेहतर है। माइटी मियोनेर, ये काफी तेज और आसान है। ये एक बढ़िया स्टेक है। ओह, लाइट को क्या हुआ? लेडी थॉर इसे भी संभाल सकती है। बिजली, ये आसान है। और वो मौसम को भी ठीक कर देगी ताकि उसके बाल अच्छे लगे। बूम, और आसमान साफ है। ये बेहतर है। लेकिन कई बार वो अपने हथौड़े की ताकत के बारे में भूल जाती है। वो बस कील पर हथौड़ा मारना चाहती है। लेकिन घर सह नहीं पाया। वो बहुत ताकतवर है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। बेचारा टाइलर, थॉर के पास जाना खतरों से खाली नहीं। लेकिन उसे फूल पसंद आए। एक शक्तिशाली लड़की के लिए एक अच्छा गुलदस्ता। क्या आपको हमारे सुपर हीरो के स्केचेस पसंद आए? तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लड़कियों के रूप में और कौन से सुपर हीरोज देखना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप ट्रिम ट्रिम वाओ पर कोई भी सुपर हीरो वीडियो मिस ना करें।